Hello guys, welcome to my channel. We're gonna test in Forza Horizon 5 in RX 6650 ST GPU. So as you can see, I enabled the AMD fluid motion frames manually. Okay, so let's see the appears. What is my graphic setting? Let me show you. My graphic setting is I'm playing in 1080p and frame rate is unlocked. VSync is off. Anti-aliasing is on. Okay, so let's move to graphic setting. So I'm gonna test in high settings. Okay, so we can see how much appears in high settings. No, we can't play in ultra settings. Okay, so guys, you can see I got 144 FPS. यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी जब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो बहुत 200 FPS आ रहे थे. जैसे रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे कम से कम बहुत FPS गिर गया. चलिए हम थोड़ा दूर टेस्ट करते हैं. नाइस, 155 FPS. ये नया ड्राइवर है जो कि अभी AMD वालों ने निकाला है, सेकंड AMD फ्लूड मोशन फ्रेम्स वाला. उसका नया स्टेबल वाला निकाला है. गाइस, हाई सेटिंग में खेलने का मजा और है. अल्ट्रा उसके लिए VRAM ज़्यादा होनी चाहिए. VRAM देखो, मैं अल्ट्रा में भी खेल सकता हूँ तो पूरा 8 GB VRAM यूज़ हो जाएगा. हम लोगों को कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम लोग को ज़्यादा FPS गेन करने हैं तो हमें ग्राफिक सेटिंग्स को कम करना होगा और ग्राफिक्स अच्छे दिखेंगे. गाइस, आई प्ले वेरी स्मूथ गेम, बटरी स्मूथ. तो गाइस, यहाँ पे मैंने नया मदरबोर्ड लिया है. मेरा जो पहले वाला मदरबोर्ड था वो खराब हो चुका था. सॉरी. अगर किसी के पास i5 9600 के है उससे भी पेयर कर सकते हो. ये AMD का RX 6650 ST. अरे भाई, मेरा शीशा तोड़ दिया यार, देख के चलाओ. अच्छा, वो बच गया. गाइस, जब हम सिटी में जाते हैं तो FPS बहुत गिर जाते हैं. अभी मैं सिटी में गाड़ी चला रहा हूँ. अगर मैं स्ट्रीम करूँगा ना
तो FPS बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। भाई अगर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं आई गेट 180 FPS आई एम श्योर। 16 GB रैम है और 10 GB यूज़ हो रहा है, तो मतलब इन फ्यूचर अभी के लिए आप 16 या 32 GB, आपको 16 GB रिकमेंड करूँगा कि रैम इतना मैटर नहीं करता, GPU और CPU मैटर करता है। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, देखते हैं कितना वीरम ले लेता है। ठीक है 1440p पे खेल के देखते हैं कि किस तरह चल रही है गेम। ठीक है तो गाइस यहाँ पे TA एंटलाइजिंग ऑन कर रखी है, बाकी सब फाजा माता नहीं ऑन करेंगे हम लोग। ठीक है और ग्राफिक्स हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 6 GB जाने वाला है। GPU मेमोरी यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो। GPU पूरा यूज होना चाहिए 98 यहाँ पे। सीधा हम 4K में उठाएंगे, देखते हैं कि ये क्या चल पाती है। पूरी टेस्टिंग करेंगे हम लोग 2K पे। मेरा मॉनिटर 1080p है और फिर भी हम लोग रेजोल्यूशन ऑन करके टेस्ट कर सकते हैं। तो 185 FPS हिट कर दिया अपने। यार मुझे लग रहा है कि अभी बग है जो ये FPS दिखा रहा है, ओवरले दिखा रहा है। मेरा GPU मेमोरी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम दिखा रहा है ना, 6 GB तो दिखाना चाहिए। जा भाई चलिए गाइस इसको हम 4K में टेस्ट कर लेते हैं। ओके वीडियो में जाते हैं, सीधा हम 4K में चलेंगे। तो देखते हैं कितने FPS आते हैं 4K में। 7 GB अब हुआ है, देखो GPU मेमोरी 7 GB जाएगा। वाओ 4K में क्या गेम लगती है यार।
4K का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जब समर चल, मतलब दिन के टाइम में बनाऊंगा। बहुत मक्खन ग्राफिक्स लग रहे हैं, बहुत मक्खन। वाह, गाइस अभी मैं हाई सेटिंग पे ही टेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि अल्ट्रा नहीं उठाना है मेरे को। इतनी स्मूथ चल रही है तो यहाँ पे गाइस 100 FPS की एवरेज मिल रही है 4K में, जो कि बहुत बड़ी बात है। पुरानी गेम भी हो चुकी है, राइट। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब मैं रेजोल्यूशन उठाता हूँ पहले 1080p में पूरा CPU यूज़ हो जाता है, 100% स्टे रहता है, और जैसे 2K में उठाता हूँ वो भी स्टे था। जब 4K में मैंने उठाया गेम को तो CPU यूटिलाइजेशन आप देखिए 72-73 ऐसा है। गाइस 6 कोर का प्रोसेसर मेरा, अगर मैं ज़्यादा रेजोल्यूशन उठाऊँगा तो गेम सही चलेगी, मतलब स्टेबल चलेगी। और वैसे खेलूँगा जैसे लाइक 1080p 4040p उस पर भी गेम सही से चलेगी, लेकिन भाई ये थोड़ा FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा। हमें एक रेस करनी चाहिए राइट 4K में, तो हम एक रेस करते हैं गाइस। तो हम एक रेस करनी चाहिए, नहीं ये थोड़ी बड़ी रेस होनी चाहिए राइट, अभी तो बड़ी रेस नहीं कर सकते। तो हम चलो करते हैं, अब हम सिटी में आ गए। आप देख सकते हैं FPS बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, देखा था आपने एकदम से। अब देखिए अब आ गया, ओह ओह बच गया बच गया। क्योंकि हाई सेटिंग्स में खेलना ही ठीक रहेगा, अल्ट्रा उठाओगे तो फिर उसके लिए VRAM ज़्यादा चाहिए आपको, फिर तो आपको लेना पड़ेगा 6700 ST 12 GB। अब हम रोकते हैं, देखते हैं कि रेस सुबह होगी या रात को। चलिए हम एक रेस करते पहले, तो हम लोग को गाड़ी लेनी चाहिए लाइक ये वाले लेते हैं। वैष्णवी अभी करेंगे कॉल उसको। तो गाइस यहाँ पे अब सुबह रेस हो रही है, पता लगेगा कितने FPS ड्रॉप हो रहे हैं, चेक करना चाहिए। देखिए गाइस FPS ड्रॉप अब फिर हो गया। ऑलराइट ऑलराइट भाई, दिक्कत टक्कर तो मत मार भाई। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस, इससे ये तो पता रहेगा कि 1080p में कितने FPS आ रहे थे और 2K में और 4K में। अच्छा CPU होगा ना आपके पास तो ये और FPS निकाल के देगा। यार ये गाड़ी की यही प्रॉब्लम है,
जब भी मोड़ना होता है ना उसके टायर फिसल जाते हैं। अरे यार चलो चलो मिटुआ ऊँची रुकी राह ओके ओके गाइस थर्ड पोजीशन पे फिनिश था। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे गाइस। आपको ये वीडियो कैसे लगी लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी बिग गेम का बेंचमार्क देखना है तो कमेंट कर देना। चलिए इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।